अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, यूरोपियन हिस्ट्री की आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट टू में आज हम डिस्कस करेंगे द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन यूरोप। सो इसमें हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे द मेन इवेंट्स ऑफ द वार एंड इम्पैक्ट ऑफ द वार। जंग के अहम वाक़यात क्या थे, दूसरी आलमी जंग में शामिल अहम इतिहाद कौन सा था, इस हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि पोलैंड पर हमला कैसे दूसरी आलमी जंग का आगाज बना था, 1940 के अंदर बरतानिया की जंग की अहमियत क्या थी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन बारबारोसा की कलीदी नतायज थे वो क्या थे, और पर्ल हार्बर पर हमले ने जंग के रास्ते को कैसे तब्दील किया था, डी डे क्या था और ये जंग में क्यों एक अहम लम्हा था, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जौहरी बमों के इस्तेमाल की वजह क्या थी। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है जंग का असर, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि दूसरी आलमी जंग के नतीजे में इंसानी नुकसान का क्या तखमीना किया था, और जंग ने यूरोपीय ममालिक की मईशतों के ऊपर किस तरह से असर डाला था, मेवरी ताकतों की शिकस्त के बाद यूरोप में क्या सियासी तब्दीलियाँ आई थी, इन तमाम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि दूसरी आलमी जंग ने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम में किस तरह से मदद की थी, और जंग के नतीजे में औरतों के किरदार में क्या तब्दीलियाँ आई थी, दूसरी आलमी जंग के बाद की सूरत हाल ने सर्द जंग की कशीदगी में किस तरह से इजाफा किया था, और लास्ट में हम देखेंगे कि दूसरी आलमी जंग के आलमी सियासत के ऊपर जो है वो तवील मददी नतज क्या थे, और दूसरी आलमी जंग ने यूरोप में समाजी डायनमिक्स को किस तरह से दोबारा तश्कील दिया था। सो मेन इवेंट्स ऑफ द वार हम डिस्कस करते हैं। ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड वार टू 1939 to 1945। सो वर्ल्ड वार टू वाज अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट दैट लास्टेड फ्रॉम 1939 to 1945। इट इन्वॉल्वड मेनी नेशंस डिवाइडेड इनटू टू मेन अलायंसेस, द अलाइड वर्कर्स इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम एंड द एक्सिस पावर्स मेनली जर्मनी, इटली एंड जापान। दूसरी आलमी जंग जो था एक आलमी तनाजा था जो 1939 से 1945 तक जारी रहा, और इसमें कई ममालिक शामिल थे जो दो बड़े इतिहादों में तकसीम हुए थे। एक थी इतिहादी ताकतें जिसमें अमेरिका, सोवियत इतिहाद और बरतानिया शामिल थे, ठीक है, और उसके बाद बाकी एक्सिस पावर्स थी जिनके अंदर जो है वो इटली, जर्मनी और जापान जैसे ममालिक शामिल थे। सो अब हम इनके की इवेंट्स ऑफ द वार डिस्कस करते हैं कि जंग के अहम वाक़यात कौन से थे, ठीक है। तो पोलैंड का हमला जो था 1939 में हुआ था, ये जंग का आगाज जो था वो 1 सितंबर 1939 को हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था, ठीक है, और इसके अंदर बलारस केक पैक यानी बिजली की जंग की हिकमत अमली का इस्तेमाल किया गया था, और इसमें तेज फौजी नकल हरकत भी हुई थी और फिजाई मदद भी इसके अंदर शामिल थी। सो इस हमले ने जो है बरतानिया और फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान करने के ऊपर मजबूर कर दिया। उसके बाद फ्रांस का जवाल हम दूसरी वजह इसको डिस्कस करते हैं 1940 के अंदर हुआ था। तो मई 1940 में जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला किया था, और फिर ये जल्द ही फ्रांसीसी अफवाज को शिकस्त इसने दे दी थी। सो इसमें जो क्या था जून 1940 तक फ्रांस हार गया था और जर्मनी ने ज़्यादातर मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया था। उसके बाद इसमें यानी कि फ्रांस का जो जवाल था 1940 के अंदर आया था। 1940 में जर्मनी के बेल्जियम रास्ते पर यानी फ्रांस पर हमला किया और फ्रांसीसी अफवाज को शिकस्त दी। इसके बाद बरतानिया की जंग थी 1940 की, फ्रांस के जवाल के बाद जर्मनी ने बरतानिया पर फिजाई बतरी हासिल करने का इरादा किया, और रॉयल एयरफोर्स जो के था RAF, इसने बरतानिया का दिफा जो है वो कामयाबी से किया था। सो इस तरह से जंग में जर्मनी की जो है ये पहली बड़ी शिकस्त थी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यानी ऑपरेशन जो के बार बार वसा था 1945 के अंदर हुआ था। तो जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत इतिहाद के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर हमला किया था और इब्तदाई तौर पर अहम कामयाबी भी हासिल की थी, लेकिन सख्त सर्दी थी और सख्त सोवियत मजामत थी जिसने जर्मन पेशकदमी को रोक दिया था। उसके बाद और जो वजूहात हम डिस्कस करते हैं यानी कि पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था, तो पर्ल हार्बर के ऊपर 1941 के अंदर हमला हुआ था तकरीबन 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के बहरी अड्डे के ऊपर यानी पर्ल हार्बर पर हमला किया था, जिसकी वजह से अमेरिका जो था उसने इतिहादियों की तरफ से वो जंग में शामिल हो गया था, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि डी डे क्या है 1944। तो 6 जून 1944 को इतिहादियों ने ऑपरेशन
ओवरलोड का आगाज किया था जो नॉर्मंडी फ्रांस पर हमले के तौर पर जाना जाता है, और ये जो था इसने नाजी कब्जे से मगरबी यूरोप की आज़ादी का ये हमला आगाज था। सो ये पॉइंट से यानी ये असबाब थे इसके इवेंट से वार के, और उसके बाद बर्लिन का जवाल किया था और एंड ऑफ द वार इन यूरोप 1945। तो सोवियत यूनियन ने मई 1945 में बर्लिन के ऊपर कब्जा किया था, इन लीडिंग टू जर्मनी अनकंडीशनल सरेंडर ऑन मई 8, 1945। तो इसके नतीजे में जर्मनी की गैर मशरूत हार हुई थी यानी 8 मई 1945 को VE Day। देन यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, फिर जौहरी बमों का इस्तेमाल किया गया। द वार इन द पैसिफिक कंटिन्यूड अंटिल द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानी सिटीज ऑफ हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 एंड नागासाकी 9 अगस्त 1945। सो जापान सरेंडर्ड ऑन सितंबर 2 सितंबर 1945 मार्किंग द ऑफिशियल एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। जंग का आगाज जो था वो पैसिफिक में हुआ था, पैसिफिक में ये जंग का आगाज जारी रहा था जब अमेरिका ने जापानी शहरों के ऊपर हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त 1945 को जौहरी बम गिराए थे। तो जापान ने 2 सितंबर 1945 को हार तस्लीम कर ली, जिससे इसने आलमी दूसरी आलमी जंग के बाकायदा अख्ताम का निशान भी लगा दिया। अब हम इस जंग के असरात को डिस्कस करते हैं कि जंग का असर क्या था। ह्यूमन कैजुअलिटीज एंड डिस्प्लेसमेंट, इंसानी नुकसान हुए और बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे इस जंग के नतीजे में। तो दूसरी आलमी जंग ने बेशुमार यानी जानों का नुकसान किया था, जिसकी तादाद तकरीबन 70 से 85 मिलियन थी, जिसमें शहरी और फौजी दोनों यानी के शामिल थे। और इस जंग ने बड़ी सतह के ऊपर यानी बेघर होने का की वजह भी बनी थी। लाखों लोग मुहाजरीन यानी के गए थे जब सरहदें तब्दील हुई और ममालिक के ऊपर कब्जा हुआ। देन इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, फिर इसके इस जंग के असरात में हम इक्तसादी नतायज को डिस्कस करते हैं कि इक्तसादी नतायज क्या रहे जंग की वजह से। जंग ने यूरोप की मईशतों को शदीद नुकसान पहुँचाया था और जो ममालिक थे इनको बुनियादी उनके स्ट्रक्चर में घरों में और संतों की तबाही का उनको सामना करना पड़ा था। तो दोबारा तमीर के जो अखराजात थे वो बहुत ज़्यादा थे, जिसके वजह से इक्तसादी मुश्किलात भी पैदा हुई थी। और इसके अलावा खुशहाल ममालिक से खास तौर पर अमेरिका से बड़ी सतह के पर इमदाद भी मिली और सरमायाकारी की जरूरत भी पेश आई, जिस तरह से मार्शल प्लान के तहत। देन पॉलिटिकल चेंजेस, उसके बाद इस जंग के नतीजे में सियासी तौर पर भी तब्दीलियाँ आई थी, यानी इसमें फाशिज्म का जवाल हुआ था। जो मेरी ताकतें थी उनकी शिकस्त ने जर्मनी और इटली में फाशिस्ट हुकूमतों का खात्मा किया था, जबकि जापान एक जमहूरी हुकूमत में यानी कि तब्दीली की थी। उसके बाद है जर्मनी की तकसीम, डिवीजन ऑफ द जर्मनी। सो जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्यूपेशन जोन्स कंट्रोल्ड बाय द एलीज, द यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन। एंड दिस डिवीजन इवेंचुअली लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट एंड द वेस्ट जर्मनी डेमोक्रेटिक। तो जर्मनी को जो जर्मनी के इतिहादी थे यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और सोवियत इतिहाद, ठीक है, इनके कंट्रोल में 4 मकबूजा जोन्स में तकसीम किया गया था। ये तकसीम फिर बाद में मशरकी जर्मनी यानी कम्युनिस्ट और मगरबी जर्मनी यानी जमहूरी की तश्कील की वजह बनी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को। अक्वामे मुत्तहिदा का क्याम 1945 में अक्वामे मुत्तहिदा यानी यूएन का क्याम अमल में आया था, ताकि बैन अक्वामी तावन अमन और सलामती को फरोग दिया जा सके, तो मुस्तकबिल के तनाजात को रोकने की कोशिश भी की जा सके। सो जंग के असरात में हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं सोशल चेंजेस का, यानी इक्तसादी लिहाज से भी तब्दीलियां आई थी, सियासी लिहाज से भी तब्दीलियां आई थी जंग के नतीजे में। तो समाजी लिहाज से कौन सी तब्दीलियां आई थी, तो इसमें हम देखते हैं वुमेन रोल, वुमेन का क्या रोल था, क्या किरदार था। तो जंग के दौरान औरतों ने वर्क फोर्स में अहम किरदार अदा किया था, वो मुलाजमतें उन्होंने संभाली थी जो रवायती तौर पर मर्दों के लिए मखसूस थी, तो वो मर्द जो थे वो जंग लड़ रहे थे। तो इस तब्दीली ने बाद में मुआशरती किरदारों में भी तब्दीली में मदद की थी। देन सिविल राइट्स मूवमेंट्स, द वार हाईलाइटेड इशूज ऑफ इक्वलिटी एंड इनजस्टिस कंट्रीब्यूटिंग टू सिविल राइट्स मूवमेंट्स इन वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी शहरी हकूक की तहरीकें थी जिसमें जंग ने बराबरी और नाइंसाफी के मसाइल को उजागर किया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो ममालिक थे जिसमें अमेरिका शामिल था तो उसमें शहरी हकूक की तहरीकें उभरी थी। देन कोल्ड वार टेंशन, सर्द जंग की कशीदगी, तो जंग के बाद के हालात ने अमेरिका और सोवियत इतिहाद के दरमियान सर्द जंग के लिए ज़मीन हमवार की थी, और इसमें जो कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज थी यानी मुतजाद नज़रियात
सरमायादार का मुकाबला कम्युनिज्म से था, और यूरोप तो इससे आगे असर रसूख के लिए उसकी ताकत ने जदोजहद ने दहाइयों तक सियासी कशीदगी में और फौजी इतिहाद और प्रॉक्सी जंगों को जन्म दिया। सो वर्ल्ड वार टू वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड डिवास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन हिस्ट्री, रीशेपिंग यूरोप एंड द वर्ल्ड। सो इट्स की इवेंट्स देयर फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ द पोलैंड टू द यूज ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब्स मार्क द टर्निंग पॉइंट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड स्ट्रेटजी। दूसरी आलमी जंग तारीख का सबसे अहम और तबाहकुन यानी के तनाजात में से एक थी, जिसने यूरोप को और दुनिया को दोबारा शक्ल दी। ठीक है, और इसके जो अहम वाकयात थे वो था पोलैंड के हमला, यानी पोलैंड के हमले से लेकर जौहरी बमों के इस्तेमाल तक, जो इसकी यानी अहम वाकयात हैं। आलमी सियासत और फौजी हिकमत अमली में एक मोड़ को यानी के निशान जद करते हैं। जंग का असर है जो है वो यानी बेहद इस जंग का असर शदीद था, जिसके नतीजे में जानों का ज़िया हुआ, इक्तसादी तबाही हुई, सियासी तब्दीलियाँ आई और नई समाजी डायनमिक्स का भी उभार हुआ था। सो मुख्तसरन के दूसरी आलमी जंग के नतज ने न सिर्फ यूरोपी कौमों को तब्दील किया था बल्कि 20वीं सदी के जोग्राफी मंजरनामे के लिए भी राह हमार हो गई थी। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड ऑनसेट ऑफ द कोल्ड वॉर हाइलाइटेड द ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड सेक्रेड बाय कॉन्फ्लिक्ट। तो अकवामे मुत्तहिदा का क़याम जो था वो सर्द जंग का आगाज था और इस जद्दोजहद को उजागर करता है जो अमन और स्टेबिलिटी के लिए जारी है। तो एक ऐसी दुनिया में जो तनाज़ से मुतासर है, आदमी नुकसान के इस खौफनाक यानी तजर्बे से सीखे गए जो सबक है वो आज भी बैन अक्वामी तालुकात में और तनाज़ात के हल की कोशिशों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। सो जंग के अहम वाक़यात को हमने डिस्कस किया, इसमें क्वेश्चन राइज होता है कि दूसरी आलमी जंग में शामिल अहम इतिहाद कौन सा था। तो हमने डिस्कस किया कि दूसरी आलमी जंग में दो इतिहाद थे, इतिहादी ताकतें थी जिसमें अमेरिका, सोवियत इतिहाद और बरतानिया शामिल थे, और दूसरी एक्सिस पावर थी मैवरी ताकत, तो इसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। और इस पॉइंट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पोलैंड पर हमला कैसे दूसरी आलमी जंग का आगाज था। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था, जिसके नतीजे में बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। ठीक है, इस तरह दूसरी आलमी जंग का आगाज हुआ था। और क्वेश्चन हो सकता है कि 1940 में बरतानिया की जंग की अहमियत क्या थी। तो 1940 में बरतानिया की जंग जो थी यानी बैटल ऑफ ब्रिटेन, इसमें बरतानवी फिजाइया ने जर्मनी की फिजाइया को शिकस्त दी थी। ठीक है, जो कि अहम मोड़ था क्योंकि यह पहली बड़ी शिकस्त थी जो जर्मन फौज को मिली थी और इसने बरतानिया के दिफा में अहम किरदार अदा किया। देन ऑपरेशन बारबारोसा के जो अहम नतज थे वो क्या थे। ऑपरेशन बारबारोसा में जर्मनी ने 22 जून 1941 को सोवियत इतिहाद के ऊपर हमला किया था, और इब्तदाई तौर पर जर्मनी को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन शदीद सर्दी और सोवियत मजामत की वजह से उनकी पेशकश में रुक गई थी, और जो कि जंग के रुख को बदलने की वजह भी बनी। ठीक है, उसके बाद इसी पॉइंट में क्वेश्चन हो सकता है कि जो पर्ल हार्बर थे उस पर हमले ने जंग के रास्ते को कैसे तब्दील किया था। तो 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था, तो जिसके नतीजे में क्या हुआ था कि अमेरिका ने जंग में शामिल होने का फैसला किया, और ये जो वाकया है ये जंग के आलमी दायराकार को बढ़ाने में फिर अहम साबित हुआ था। डी डे क्या था, डिस्कस किया ये जंग में क्यों एक अहम लम्हा था। डी डे जो कि 6 जून 1944 को हुआ था, इसमें इतिहादियों ने नॉर्मांडी फ्रांस में बड़ी तादाद में फौजी हमला किया था, और ये यूरोप में नाजी कब्जे के खिलाफ बड़ी कामयाबी का आगाज था। ठीक है, और इसे जंग का एक अहम मोड़ समझा जाता है। उसके बाद हमने पॉइंट डिस्कस किया कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जौहरी बमों के इस्तेमाल की वजह क्या थी। अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जौहरी बम गिराए थे। ठीक है, जिसकी वजह क्या थी कि जापान को फौरी तौर पर यानी हार मानने के पर मजबूर किया जाए और जंग को जल्द ख़त्म किया जाए ताकि मजीद इंसानी जानों का नुकसान ना हो। देन हमने डिस्कस किया जंग के असर को, तो जंग के असरात को तो दूसरी आलमी जंग के नतीजे में इंसानी नुकसान कितने हुए थे। हमने डिस्कस किया कि दूसरी आलमी जंग में तकरीबन 70 से 85 मिलियन अफराद हलाक हुए थे, जिनमें शहरी और फौजी दोनों शामिल थे। जंग ने यूरोपी मालिक की मईशतों के ऊपर किस तरह से असर डाला था। जंग ने यूरोप की मईशतों को तबाह कर दिया, बुनियादी स्ट्रक्चर को, घरों को, संतों को बड़ी सतह के ऊपर नुकसान पहुंचा था, तो जिसके नतीजे में दोबारा तमीर के लिए भारी अखराज का सामना करना पड़ा था। एक्सिस जो पावर थी उनकी शिकस्त के बाद यूरोप में क्या सियासी तब्दीलियाँ आई थी। तो एक्सिस के पावर की शिकस्त के बाद फासिज्म की हुकूमतें जो थी वो जर्मनी और इटली में ख़त्म हुई थी, जबकि जापान ने जमहूरी हुकूमत का क्या मामला लाया। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरी आलमी जंग ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के क़याम में किस तरह से मदद की थी। जंग के बाद
अक्वामी मुत्तहिदा की बुनियाद 1945 में रखी गई थी ताकि बैन अक्वामी तावन अमन और सिक्योरिटी को फ़रोग दिया जा सके और मुस्तकबिल के तनाजात को रोकने के लिए कोशिशें की जा सके। जंग के नतीजे में औरतों के किरदार में क्या तब्दीलियां आने इसके किया। जंग के दौरान औरतों ने काम के जंग के ऊपर अहम किरदार अदा किया था, यानी कि जो काम की जगह थी उनमें औरतों ने अपना किरदार अदा किया क्योंकि मर्द जंग में गए, और ये तब्दीली बाद में फिर माशरती नज़रियात में भी तब्दीली की वजह बनी। और दूसरी आलमी जंग के बाद की सूरत हाल ने सारी जंग की कशीदगी में किस तरह से इजाफा किया था, तो हम ये कह सकते हैं कि जंग के बाद की सूरत हाल ने अमेरिका और सोवियत इतिहाद के दरमियान नज़रियाती इख्तलाफात को बढ़ा दिया था। ठीक है, फिर जिसने सार्द जंग की शुरुआत की थी और जो दोनों ताकतें थीं वो आलमी असर रसूख के लिए एक दूसरे के खिलाफ थी। लास्ट में हमने पॉइंट किया कि दूसरी आलमी जंग के आलमी जो सियासत थी उसके ऊपर कुछ तवील मदद के नतज किया थे, तो दूसरी आलमी जंग के नतीजे में आलमी ताकतों की तंजीमें नौ हुई थी, नए बैन अक्वामी इदारे कायम हुए, दुनिया की सियासी हालत में बड़ी तब्दीलियाँ आई जिस तरह से सार्द जंग का आगाज हुआ। दूसरी आलमी जंग ने यूरोप में समाजी ढांचे में इसको किस तरह से दोबारा तश्कील दिया, तो जंग ने समाजी ढांचे में तब्दीलियाँ लाई जैसे खवातीन के रोजगार में शमूलियत है, नस्ली हकूक की तहरीकों की शुरुआत है जो कि बाद में यूरोपी मुआशरती तब्दीलियों की वजह बनी। सो हमने डिस्कस किया दूसरी आलमी जंग और इसके असरात को, यानी कि यूरोप के ऊपर जंग के अहम वाक़ियात कौन से थे और दूसरी आलमी जंग का क्या खुलासा था। और इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।